न्यूज व्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश महाजन। न्यूज है कि बीजेपी क्यों डरती है संविधान से। जैसा कि आपको सबको पता है कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी ने नारा लगाया था 400 पार का, और उनके लोगों ने ये बोला कि 400 पार मोदी जी इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं संविधान को बदलना, क्योंकि संविधान उनके काम का नहीं है, क्योंकि वो संविधान के अंदर में कुछ फेरबदल करना चाहते हैं और वो फेरबदल तो इस संविधान में वो कर नहीं पाएंगे, इसलिए वो पूरा संविधान ही बदलना चाहते हैं। ऐसी क्या बात है इस पर महाराष्ट्र इलेक्शन में, जो पिछली बार उनको करारी हार मिली थी लोकसभा इलेक्शन में, इस बार उन्होंने फिर से उसी गिरफ्त में आ गए जहाँ पर राहुल गांधी ने संविधान की पुक लेकर घूमते रहते हैं और संविधान को दिखाते हैं, वही जो मुश्किल है उन्होंने फिर उजागर कर दी है और बीजेपी फिर सामने आ गई है संविधान के विरोध में और उल जुलूल बातें करने लगी हैं संविधान के बारे में। मोदी जी ने तो जो कहा है संविधान बुक के बारे में वो सुन लीजिए। कांग्रेस ने फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपने टीवी और मोबाइल पर देखा होगा कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। चुनाव में इतना झूठा करने की इनकी हिम्मत, संविधान के नाम पर लाल किताब छपवाना, उसमें से संविधान के शब्दों को हटाना, ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का नमूना है। तो ये सुना आपने राहुल गांधी के उस संविधान बुक के ऊपर मोदी जी का क्या रिएक्शन है इस महाराष्ट्र इलेक्शन में। वो फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि पिछली बार महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन में उनकी करारी हार हुई थी, जबकि उन्होंने दो पार्टियां तोड़कर अपने साथ मिलाकर उन्होंने चाहा था कि वो बहुत बड़ा बहुमत हासिल कर लेंगे। अब देखो, इन सब बातों को छोड़ दीजिए, अब तो देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो भी संविधान के बारे में बोलने लगे हैं। आज हम जिसको अर्बन नक्सल्स कहते हैं, ये अर्बन नक्सल्स ये एक ऐसी विचारधारा है जो न देश के संविधान को मानती है न देश की व्यवस्था को मानती है, और ये एक ऐसी व्यवस्था है जो युवा आयु के हमारे विद्यार्थियों में, हमारे युवाओं में एक प्रकार से उनके दिमाग में वायरस छोड़ने का काम करती है। जो विचारों को प्रदूषित करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, वो कॉलेजेस में, वो कैंपसेस में, वो यूनिवर्सिटीज में धीरे धीरे अंदर घुस रहे हैं, धीरे धीरे वायरस छोड़ रहे हैं और एक विभाजन का बीज वो बोने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना झूठा प्रचार वो कैसे कर लेते हैं ये आप सबको पता है, क्योंकि बीजेपी ज्यादातर झूठ बोलने में बहुत माहिर है। ऐसा झूठ बोलने से उनको क्या फायदा होता है, माना कि उनका प्रचार तंत्र बड़ा स्ट्रोंगली इस चीज को फैलाता है और लोगों के ये मन में वहम पाल देता है कि शायद ये बात सही है, क्योंकि वो हर चीज को ट्विस्ट करने में माहिर है और उनका प्रचार तंत्र उनको उस तरह से लोकप्रिय बनाने में भी तैयार रहता है। लेकिन आम जनता अब ये समझ गई है कि बीजेपी बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है और वो कुछ भी बात बना लेती है। जैसे देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि बुक के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली पन्ने हैं जो बांटे गए हैं उस राहुल गांधी की, जो उनका जो स्पीच था वहाँ पर, जो वहाँ पे उनको चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया था। क्या ये बात घटिया नहीं लगती है कि संविधान बुक कोई खाली पन्नों की क्यों बंटवाएगा? क्या ये ऐसी बेवकूफ़ी एक
राष्ट्रीय दल ऐसा कर सकता है, लेकिन वो झूठ बोलने में बहुत तेज है और वो फैलाना चाहते हैं कि ये लोग बहुत ही ज्यादा खराब लोग हैं या इनके अंदर दिमाग नहीं है। इसी दिमाग के चक्कर में उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू बनाने में बहुत ज़्यादा तत्परता दिखा रखी हुई थी, जो अब उनकी वो तत्परता ख़त्म होती जा रही है और इसलिए वो व्याकुल हो गए हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी के शिकंजे में महाराष्ट्र का इलेक्शन फंसा नजर आ रहा है उनके संविधान के कारण, संविधान बुक के कारण। वो तो ये बोल रहे हैं कि ये लाल किताब नक्सली सोच की जो है वो बताती है। क्या हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए संविधान लिखा था कि आप इस बारे में ऐसी बातें सोचने लगे या बोलने लगे? और यही उनकी मंशा दिखाता है कि वो संविधान के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। और इस तरह से अब दलित और आदिवासियों को ये सोचना पड़ेगा, पिछड़े लोगों को सोचना पड़ेगा वो किस पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अब ये सब कुछ नज़र आने लग गया है कि बीजेपी का जो दिखावा था सबका विकास सबका साथ, तो अब वो बड़ा धुंधला सा नज़र आ रहा है इन इलेक्शनों में। धन्यवाद। जय हिंद।